नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो आप सबको अच्छा लगेगा। और थंबनेल में आप सब देख लिए हैं, तो हम बच्चे ही घर पे सब रहेंगे। आज सुबह का कोई काम ब्लॉगिंग नहीं किए और चलते हैं सीधे, आप सबको दिखाते हैं मार्केट जहाँ से सामान खरीदते हैं, और फिर आकर बताएंगे कि हमारी कौन सी बहन ये गेहूं रखने वाला टंकी लाना है दी है, और चलते हैं खरीदारी करते हैं। नमस्ते। तो मच्छरदानी अभी सब हटाएंगे, सब दिख रहा है। सुबह सुबह के टाइम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी दीदी हैं वो विदेश की हैं, तो उनको वहाँ से पैसा वो दुकान वाले भैया को ही देंगी, मेरे पास नहीं देंगी। तो जहाँ सामान ले लेंगे वहीं पे वो दे देंगी, और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वहाँ शायद, अपने यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, मैं क्लियर आप सबको बता नहीं पाऊँगी। दीदी यही बताई थी कि जितना हो सके सुबह जल्दी निकलना, नहीं तो हमारा यहाँ रात हो जाएगा। तो हम चलते हैं, झोला ले लिए हैं, तैयार भी हो गए हैं, कपड़े भी पहन लिए हैं। हम और चंदन चलेंगे, थोड़ा रास्ते का वीडियो चंदन शूट कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट वहीं का वीडियो शूट करेंगे दोस्तों। तो चलती हूँ। अब बर्तन सब रखना रखा है, कपड़ा नहीं धुल पाई, तबीयत नहीं ठीक था, 2 दिन का कपड़ा पड़ा है। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन मैं बता दी। और दवा मैं कल आप सबको बताई थी, खाई थी, गई थी लेने भी, आराम थोड़ा बहुत है। और दीदी भी पूछी कि आराम हो तभी जाना, और मैं सोची कि अब आराम देखेंगे, गेहूं पड़ा रहेगा वैसे इधर उधर, और फिर हम रखेंगे। करिया मत बिड़ुआ। तो हम चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हम आज आए हैं यहाँ पर अपनी यहाँ मार्केट, तो हमें थोड़ा काम है। देखिए यहाँ गल्ला मंडी है, और यहाँ पर राशन किसानों के खेत से कट के ना गेहूँ आता है, सब यहीं पे जिनको बेचना है लाकर यहीं पे बेचते हैं किसान का। तरह यहाँ पर खड़ा है प्याज। तो आगे चलते हैं, सब्जी मंडी है, आप सबको वहाँ दिखाएंगे, और सब्जी खरीदते हैं। ताज़ा ताज़ा सब्जी आया होगा मार्केट में, वहाँ भी किसान अपने खेत से तोड़ाई करके लाकर यहाँ पर देकर जाते हैं। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं चंदन थोड़ा आप सबको दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा सब्जी मंडी दोस्तों हमारे यहाँ मार्केट का, आज वहीं पे आई हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। वैसे दिन के 10 बज गया है, नहीं तो सब्जी यहाँ पर और भी ज़्यादा रहता है, बिक्री हो चुका है। यहाँ पर मिर्ची तौलवा रही हूँ, देखिए ताज़ी एकदम खेत से आया है। अभी अभी लौकी सब रखा है यहाँ पर, जो बेच चुके हैं थोड़ा बहुत लेकर बैठे हैं। यहाँ पर देखिए इतना सारा, और सस्ता भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर लौकी देखिए पैक करके पॉलीथीन में सब रखा गया है, यहाँ तमाम प्रकार की सब्जियाँ सब रखा है इधर भी। तो हम सब सब्जी ले चुके हैं और यहाँ ऑटो पर बैठ गई हूँ, अब चल रही है आगे का आप सबको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए झोला में सब सब्जी रख ली हूँ। तो ये चाचा बोल रहे हैं कि आप सामान हमारे ठेले पे लदवाइए, तो ऑटो में पहले से ले गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम ये वाला लेने आए हैं डहरी, बताना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टंकी ले लिए हैं डहरी, जो चावल गेहूँ रखने वाला लाद रहे हैं ऑटो पे। तो यहाँ ऑटो आ गया है डहरी, वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो एक यहीं पे उतार देंगे भैया, और एक वहाँ घर पे ले जाएंगे। तो देखिए हमारा वहाँ पर है, तो घर पे आ गए हैं, एक उतार लिए हैं और एक ले जाएंगे वहाँ पर। तो ले चलेंगे चंदन के, इतना बड़ा है। तो यहाँ डहरी ला रहे हैं चंदन,
और भैया पकड़ के सब। यहाँ पर ले जा रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ रख दिए भैया सब। तो दोस्तों गेहूँ ऐसे पड़ा हुआ है और ला के रखना था, तो एक ले आई हूँ। और हमारी एक दीदी बोली थी लाने के लिए और वो हमारा सहयोग की है, तभी मैं ला पाई दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए खाना लाकर शीतल रख दी है। दिन के यहाँ 12 बज रहा है, खाना खाने जा रहे हैं। तो हमारे घर क्या क्या बना है आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चावल है, बैंगन का और ये सहजन का आलू का सब्जी बना है। तो यहाँ पर खा रहे हैं और खा लेते हैं, फिर आप सबको दिखाएंगे। तो आगे का आप सबको वीडियो दिखाई, कुछ वॉइस ओवर करना पड़ा, कुछ बोलना पड़ा। और यहाँ पर सब सामान खरीद लाई हूँ। तो देखिए आज हमारे घर ढेर सारा सब्जी आ गया है। देखिए यहाँ पर शिमला मिर्च है इतना, इतना गाजर है और 1 kg टमाटर देखिए इतना सारा है, और यहाँ पर इतना सारा मिर्ची है, और देखिए इतना ये तरोई सब्जी है, और इधर प्याज है। फिलहाल प्याज तो अभी नहीं खाया जा रहा है, और इधर अरवी है। तो इतना सारा सब्जी खरीदारी की दोस्तों। शुरुआत में जब मैं वीडियो बनाई थी, आप सबको याद होगा जो दीदी अलमारी दी थी, वो भी US की रहने वाली हैं, और पहली बार अलमारी दी थी यहाँ पर जब रहती थी। तो वही दीदी हमारे लिए ये जो है डेहरी, इसे हमारे गांव के भाषा में बोलते हैं, आप सबके भाषा में शायद टंकी बोला जाता होगा। तो वो दीदी खरीदवाई हैं, और ये सब्जी इतना सारा है ये भी खरीदवाई हैं। तो दोस्तों वो हमें पैसा नहीं दी थी, जिस बोली थी जिस दुकान पे आप सामान खरीदना और हम उस दुकान पे फ़ोन पे कर देंगे। तो फ़ोन पे की है कि पता नहीं किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र उन्हीं के पास, जितना इधर से मैं सामान खरीदी, बिल बना और उनके पास भेज दी, उन्होंने उतना पैसा दुकान वाले भैया को दे दिए हैं। तो बोली थी संगीता हम अलमारी दे रहे हैं आपको, फिर बीच में खेती बाड़ी का देखी तो बोले कि अब गेहूं रखने के लिए टंकी दे देते हैं। तो आप सब भी दुआ करना उनके लिए। तो बोली संगीता गेहूं रखने के लिए आप ले लीजिएगा, और आप जो भी शॉपिंग करेंगी हम पैसा पे कर देंगे। तो आप सब भी बोलते थे कि संगीता डेली गोभी का सब्जी आलू का बनाती हो। हमारी दीदी आज बोली कि संगीता अपने मन का जो भी सब्जी तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। तो मैं एक पाव ले रही थी, उन्होंने बोली नहीं दो तीन किलो लो। तो हम 2-3 किलो लेकर ना एक किलो ले लिए हैं दोस्तों, इतना सब्जी कभी इकट्ठा लाते नहीं थे। गाजर भी इतना ले ली, तो जितना बताएं उसी। शिमला मिर्च देखिए, तो मैं बोली दीदी से ख़राब हो जाएगा शिमला मिर्च, इतना मत खरीदवाओ। तो बोल रही थी नहीं ख़राब होगा, आप इसको भीगे कपड़े में रख लेना, कुछ दिन चलेगा। तो ये दीदी के पसंद का सब्जी नहीं है दोस्तों, फिलहाल जो मैं पसंद की मेरे ही पसंद का है। तो इतना सारा सब्जियां ले ली, और मिर्ची हमें 50 ग्राम मिर्ची का डेली काम रहता है, 5 दिन चलता है, और इतना मिर्ची खरीदवा दी। देखिए इतना मिर्ची हम कितना दिन खाएंगे, तब तक सूख जाएगा। इसीलिए दोस्तों पैसा हम वीडियो में नहीं दिखाए, ना तो मेरे हाथ में पैसा आया था। जो भी सामान दीदी की तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग हो गया और सामान भी खरीद ली, हमारा डेहरी भी आ गया, तो बड़ा खुशी की बात है। और सारा सामान भी अब गेहूँ हम आसानी से रख लेंगे, धान के सीजन में धान रख लेंगे। तो दीदी को माता रानी हमेशा खुश रखें, जो इतना आप सब हमारा मदद करते हैं। तो सारा सामान रख दिए दोस्तों, आप सबको वहाँ भी थोड़ा दिखाई, बीच बीच में कहीं आते हुए जाते हुए कम दिखा पाए,
क्योंकि ऐसे वीडियो बनाते हैं रास्ते का तो आप सबको पसंद ही नहीं लगता, तो इसीलिए थोड़ा बीच बीच में कट हो गया। और हमारी जो दीदी दी हैं उनको माता रानी हमेशा खुश रखें, जहाँ भी रहें सुखी रहें। जितने भाई बहन हमारा शुरू से अंत तक मदद किए सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, और जिनको अच्छा नहीं लगता है उनसे मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी और ना कहूँगी भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, नमस्ते।